नमस्कार दोस्तों, MRG चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हाय, आज अपने इस इंजन में बीमारी नहीं है। बीमारी नहीं होते हुए भी कस्टमर इंजन को यहाँ लेके आ जाते हैं कि हमारा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन होता क्या है उसमें, जिस टाइम इंजन चलाते हैं, चलाते चलाते इंजन को स्लो कर देते हैं, स्लो में चलाते चलाते इंजन को स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप करने के बाद वापस जिस टाइम इंजन को स्टार्ट करना होता है उस टाइम इंजन स्टार्ट नहीं होता है। उसका कारण क्या है वो अभी अपन देखो। इस इंजन को स्टार्ट करेंगे, इंजन स्टार्ट करने के बाद में इसको स्लो करेंगे, स्लो करने के बाद में इसको स्टॉप करेंगे और स्टॉप करके वापस चालू करेंगे और इंजन स्टार्ट होगा या नहीं होगा वो देखते हैं। चलो अपन देखो, अभी इंजन स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखो दोस्तों, इंजन स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको इंजन को स्लो करता हूँ। पहले देखो इंजन दोस्तों स्लो में बिल्कुल सही चल रहा है। अभी मैं इसको स्टॉप करूंगा, वापस चालू करूंगा। देखो अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये देखो, ये देखो स्टॉप हो गया है। अब इसको मैं वापस चालू करूंगा, ये चालू होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। देखो दोस्तों, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका स्टार्ट नहीं होने का कारण है, वो कारण देखते हैं। देखो अभी ये देखो स्टार्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है, थोड़ा कैमरे के बॉक्स देना दोस्तों को आराम से दिख सके। जिस टाइम सिलोरिंग करते हैं उस टाइम पंप की ये कॉडिट रोड है पूरी पीछे आ जाती है। इस रोड को वापस आगे करेंगे या रोड को वापस खोलेंगे तब इंजन स्टार्ट होगा। अभी देखो मैं इसको खोलता हूं वापस। ये देखो मैंने रोड खोल दी है। ये अभी देखो अपन इंजन स्टार्ट करते हैं। ये देखो देता हूं और ये बीमारी आपके समझ में आ गई होगी। ये लो दोस्तों, ये इंजन की बीमारी आपके सामने बता दी है। कोई बीमारी नहीं है लेकिन कस्टमर यहाँ इंजन लेके आ जाता है और इसकी बीमारी ये इतनी होती है। ठीक है दोस्तों, और मिलेंगे अगले वीडियो में। और MRG चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीछे वाले वीडियो में बहुत बोला है और आज भी बोल देता हूँ। और घंटी के निशान को दबा देना। घंटी को लेके मत जाना, क्यों दूसरे दोस्त आएंगे वो घंटी दबाएंगे। दोस्तों हाय, जय हिंद, नमस्कार।